महिलाओं ने अपनी कला कुशलता से हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, कड़ी मेहनत और लगन से अपना मुकाम हासिल करना चाहिए। समाज सेवा में रुचि रहने के कारण जरूरतमंदों को हर संभव मदद करती हूँ। उक्त विचार इंटीरियर डिजाइनर और समाज सेविका जोया सिराज शेख इन्होंने गोंदिया में आयोजित मार्गदर्शन शिविर में व्यक्त किए हैं। उनकी तारीफ में कहे तो वह एक इंटीरियर डिजाइनर है, साथ ही एक स्कूल की संचालिका भी है। हाल ही में उन्होंने मिसेस महाराष्ट्र के लिए नॉमिनेशन दिया है। समाज सेवा का जज्बा होने के कारण उन्होंने कई महिलाओं को मदद भी की है। कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि नागपुर की सेलिब्रिटी हेयर आर्टिस्ट मेघा कपूर ने महिलाओं को प्रभावशाली व्यक्तित्व कहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण अधिक नुकसान हो चुका है, अब सभी को संभलने की जरूरत है। कार्यक्रम के आयोजक नताशा ब्यूटी ग्रुप के आयोजक नंदू और नीता खापड़े ने वर्कशॉप के माध्यम से ब्यूटिशियन को एक मंच उपलब्ध कराया है। इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित ब्यूटिशियन को प्रोत्साहित किया गया, साथ ही उन्होंने ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी क्लिनिक का फर्क बताया। ब्यूटिशियन के मन में आई शंकाओं का निराकरण मेघा कपूर ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के हाथों केक काट कर किया गया। इस अवसर पर जोया सिराज शेख इन्हें बेस्ट पर्सनालिटी का क्राउन पहनाया और सेलिब्रिटी अवार्ड की ट्रॉफी आराध्य ब्यूटी एसोसिएशन की निदेशक स्निग्धा पुरोहित के हाथों प्रदान की गई। पुरोहित ने बताया कि हेयर आर्टिस्ट मेघा कपूर सभी सेलिब्रिटी का मेकअप कराती है। मेघा कपूर अब 29 अप्रैल को अदिति गोयतकर का भी मेकअप करने वाली है। इसके चलते उन्हें बेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटी आर्टिस्ट का क्राउन पहनाया गया। कार्यक्रम का संचालन पुरोहित द्वारा किया गया। और ये जो गोंदिया में जो हो रहा है, ये जो प्रोग्राम है ब्यूटिशियन के डेवलपमेंट के हिसाब से, ब्यूटिशियन के हिसाब से प्रोग्राम आने वाले दिनों में इसका बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आने वाला है। हम लोग अपडेट भी नहीं है और अपग्रेड भी नहीं है। अभी जिस स्थिति हम लोग धीरे गंगा शहर की ब्यूटी शहर ना, हम लोग अपडेट हो सके ना अपग्रेड हो सके। हो सकता है यहाँ से इस प्रोग्राम से अगर आप अपग्रेड होते हैं, उसको आप अपग्रेड होते हो तो समझो आप इन पार्लर में जो है ना आने वाले दिनों में एक मोटी मोटी रकम आपको तो अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए। इस समय और जिंदगी, समय बहुत बड़ा है, जिंदगी बहुत छोटी है। इस जिंदगी को बहुत अच्छे से हासिल करते हुए पार्लर में अच्छे से कस्टमर अटेंड कीजिए ना, या तो आप ईगो रखें ना, तो कस्टमर से जितना अच्छा बोलना चाहूँ उतना आप ऐसा कमा सकते हैं। इतना ही बोलना चाहता हूँ। क्वेश्चन दिया है मिसेस महाराष्ट्र का, तो वो तो जब मिलेगा मिलेगा, बट इतनी बड़ी हस्ती हमारे आ रहे हैं, हमारे आए हैं, तो बेस्ट पर्सनैलिटी का खिताब हम इनको देंगे। आ जाओ रामदिया, हम इनको जो को मोटिवेट करके और उनको नए नए रोजगार से और नई नई चीज़ों से वो अपने बारे में बताते हैं। ये जोया जी हैं इसके इसके तो भारत माता की जय। फोटो खींचा जिला दामिनी संगठन का संयोजक हूँ मैं, और कल से चालू ना कल से चालू बताए बाकी थोड़े से मैं बताना चाहूँगा कि मेरा संगठन गोंदिया भंडारी जिले में दामिनी संगठन के नाम से चलता है। मैं कुछ कार्य हिंदुत्व के भी करता हूँ और अदर समाज के लिए भी करता हूँ। मैंने एक विषय में इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक नताशा ब्यूटी ग्रुप के आयोजक नंदू और नीता खापड़े उपस्थित थे। सुरेखा वासाड़े, अर्चना देशमुख, शीतल मुंडा फोड़े, रंजना तुरकर, मनीषा तुम्बारे आदि ब्यूटिशियन प्रमुखता से इस समय उपस्थित थी।